हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज अजवाइन नमक की गुद्देदार पूड़ी बनाने जा रही हूँ। ये गुद्देदार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। बिल्कुल, उनको चाकू से गोद करके और गुद्देदार पूड़ी बना रहे हैं इसको। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है। आटे में थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी नमक, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और इसमें मोइन डालेंगे। चाहे आप घी का मोइन डालिए, चाहे रिफाइंड का, किसी भी चीज का आप मोइन डालिए। मोइन डाल के आटे को खूब अच्छे से मल लीजिए। खूब अच्छे से मोइन को खूब मिला लीजिए। हमारा आटा खूब अच्छे से मिल जाए। बहुत ज़्यादा भी मोयन नहीं, बहुत कम भी मोयन नहीं। ये बड़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है। ये आप चाहे अचार से खाइए, चाहे सब्जी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। देखिए, हमारा आटा गूंद दिया। खूब अच्छे से इसको आटे को गूंद करके और 10 मिनट के लिए रख देंगे आटे को। खूब अच्छे से आटा हमारा गूंद गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा हो चुका है। इसको जो है अच्छे से करके और इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, ऐसे काट करके, और इनको छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, पेड़े हमने बना करके रखे भी हैं, और ये छोटे छोटे पेड़े बना करके और पूड़ियों को बेल लेंगे। पूड़ी बेलेंगे। देखिए, हमारी पूड़ी बिल गई है। अब इसमें हम काटे से या चाकू से इसको गोद देंगे। इसमें जो है इसको गोदे, चाकू से ले लीजिए, और इसको क्योंकि गुद्देदार बना रहे हैं तो इसको ऐसे ऐसे करके इसमें चाकू से पूड़ी में गोद देंगे। यदि आपको नहीं भी खानी गुद्देदार तो भी ये पूड़ी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। आप ऐसे ही बेल करके और कढ़ाई में डाल देंगे तो भी अच्छी बनेगी। और ये देखिए, हमारी पूड़ी बिल के तैयार हो गई। अब इसको कढ़ाई में हमने घी डाला और घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें पूड़ी को डाल देंगे। देखिए, हमारी पूड़ी हो गई है। दोनों तरफ से लाल लाल सेक लीजिए और इसको खूब अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए, कढ़ाई से हमने बाहर निकाल ली है। देखिए, हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया टेस्टी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखिए, बिल्कुल आराम से आप इनको, ये देखिए बिल्कुल सुहाग की तरह बिल्कुल क्रिस्पी पूड़ी। आप इसको नाश्ते में आराम से इंजॉय, अचार के साथ, टमाटो सॉस के साथ, किसी भी सब्जी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।